हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फॉर अ सिंगल रजिस्टर ट्रांसफर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो हमने इंस्ट्रक्शंस देखे वो क्या करते थे, फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन डेटा ट्रांसफर एंड फ्रॉम रजिस्टर टू एंड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर। एलडी एंड एसटी, जनरली दिस टू इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड। एलडी क्या करता है, लोड टू रजिस्टर, यानी के मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, एंड एसटी इज अ स्टोर फ्रॉम रजिस्टर, तो क्या करता है, वो रजिस्टर से डेटा मेमोरी लोकेशन में ले जाता है। ठीक है, तो वो सिंगल रजिस्टर ट्रांसफर। यहाँ पे आज हम देखेंगे वो है ब्लॉक ऑफ डेटा। व्हाट डू मीन बाय ब्लॉक? ब्लॉक इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, आइदर मे बी ऑफ रजिस्टर और मे बी ऑफ मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, मेमोरी लोकेशंस का कंसेप्ट आप लोगों को मालूम है कि मेमोरी लोकेशन कैसे, मतलब उसका एड्रेसिंग कैसे होता है, उसमें कितने बीट का डेटा स्टोर हो सकता है। क्लियर? तो आज हम यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रक्शंस देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मल्टीपल रजिस्टर लोड एंड स्टोर और अ डेटा ट्रांसफर। ठीक है, तो मल्टीपल रजिस्टर, उसके लिए यहां पे सफिक्स यूज करते हैं हम एम। ओके, लोड मल्टीपल रजिस्टर एंड स्टोर मल्टीपल रजिस्टर, लोड टू मल्टीपल रजिस्टर एंड स्टोर फ्रॉम मल्टीपल रजिस्टर। ऐसे इंस्ट्रक्शन का जब आप बाइफरगेट करते हो एज अ सेंटेंस तो समझने में आपका बहुत इजी हो जाता है। तो इंस्ट्रक्शन को कभी ऐसे मतलब समझने का ट्राई करना, रट्टा लगाने का ट्राई मत करना, ठीक है, वरना बहुत सारी इतनी सारी इंस्ट्रक्शन है तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो ट्रांसफर मल्टीपल रजिस्टर्स बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। मेमोरी एंड अ प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब इनबिल्ट उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका रजिस्टर स्ट्रक्चर वो। तो मेमोरी का ब्लॉक में से रजिस्टर के ब्लॉक में डेटा ट्रांसफर करना, या फिर रजिस्टर के ब्लॉक में से मेमोरी लोकेशन के ब्लॉक में डेटा ट्रांसफर करना। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं मल्टीपल रजिस्टर। लोड टू मल्टीपल रजिस्टर्स मतलब के एलडीएम इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, मेमोरी लोकेशन का जो एक ब्लॉक होता है वहां से डेटा ट्रांसफर करेगी, कहां पे, रजिस्टर का जो ब्लॉक है वहां पे। ठीक है, उस तरह से एसटीएम क्या करेगा, स्टोर फ्रॉम रजिस्टर, मल्टीपल रजिस्टर का जो ब्लॉक है वहां से डेटा ट्रांसफर होगा मेमोरी लोकेशन के अलग ब्लॉक में। ठीक है, सो दैट इज एलडीएम एसटीएम। LDM, STM के बाद कई सारे सफिक्स यूज होते हैं और वो सफिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम कंडीशनल सफिक्स लगाते थे इंस्ट्रक्शंस के बाद में, ऐसे आप डेटा ट्रांसफर के लिए ये सफिक्स लगा सकते हो, IA, IB, DA, DB। IA का मतलब है इंक्रीमेंट आफ्टर, इंक्रीमेंट इसके बाद आप कॉमन एक वर्ड लगा सकते हो ट्रांसफर। ठीक है, तो यहां पे होगा इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर, इंक्रीमेंट बिफोर ट्रांसफर, डिक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर, डिक्रीमेंट बिफोर ट्रांसफर। ठीक है, ये सब समझने में एज अ सेंटेंस जाएगा तब आपको समझने में इजी पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो वन बाय वन सफिक्स लगा के इंस्ट्रक्शन का हम देखेंगे कि ऑपरेशन उसका कैसा होता है। ठीक है, ओके, लेट वी फर्स्ट गो थ्रू द एग्जांपल। ठीक है, मेरे पास इंस्ट्रक्शन है एलडीएम आईए, इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर R0 कॉमा R1 R2 R3।
ठीक है, यहाँ पे जो डेस्टिनेशन ब्लॉक है, डेस्टिनेशन की पोजीशन पे जो रजिस्टर है, वो रजिस्टर क्या काम करता है, मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने का, ठीक है, इट इज वर्किंग एज अ पॉइंटर। तो यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि मेमोरी लोकेशन, रजिस्टर्स तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मल्टीपल जो जो रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है हो, लेकिन कौन से लोकेशन से करना है आपको, तो इतने सारे एड्रेसेस आपको इंस्ट्रक्शन में, सपोज मुझे यहाँ पे तो 3 ही करने हैं, अगर मुझे यहाँ पे 12 रजिस्टर का ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे 12 के 12 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस तो नहीं लिख सकता यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या किया है कि एक पॉइंटर रख दिया है, एक पॉइंटर के जैसे आप किसी भी रजिस्टर को यूज कर सकते हो, ठीक है। इस वजह से डेस्टिनेशन रजिस्टर नहीं है ये, इट जस्ट शोज द पॉइंटर फ्रॉम वेयर योर मेमोरी लोकेशन इज स्टार्टेड, ठीक है। तो लोड टू रजिस्टर एंड इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर, लोड टू रजिस्टर इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर, तो सबसे पहले R0, ये एक दूसरा रूप है यही इंस्ट्रक्शन का। इस इंस्ट्रक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R1 टू R3 स्टार्टिंग एंड एंडिंग, दो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अगर मुझे 10 रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे R1, R2, R3, R4, R5 और R10 तक लिखने का कोई मतलब नहीं है, उसकी जगह पे मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दू R1-R10, तो R1 से R10 में डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को समझना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले LDMI ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, R0 वर्किंग एज अ पॉइंटर। तो R0 यहाँ पे किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, 0x010, ये एक एड्रेस है उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। डेटा ट्रांसफर होगा कैसे, इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर, यानी कि पहले ट्रांसफर होगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, इसको हम बोलेंगे ऑफसेट, ऑफसेट नहीं, वी कैन से इट एज अ पॉइंटर, ओके। तो IA इंक्रीमेंट पॉइंटर आफ्टर ट्रांसफर, यू कैन से दैट। तो यहां पे पहले ट्रांसफर होगा, मतलब कि ये जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा फर्स्ट रजिस्टर में R1 में, यानी कि ये 10 चला जाएगा कहां पे, R1 में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट पॉइंटर, यानी कि अभी पॉइंटर क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा 0x14h, ठीक है। तो अगेन एक ऑपरेशन पूरा हो गया, IA इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर, ये हो गया। अभी दूसरा ट्रांसफर होगा, मतलब ये जो पॉइंट कर रहा है वो लोकेशन का डेटा जाएगा सेकंड रजिस्टर में, यानी कि R2 में, यानी कि R2 में चला जाएगा 20। अगेन इंक्रीमेंट होगा पॉइंटर का, यानी कि 18 हो जाएगा। अगेन 30 विल बी लोडेड टू R3। तीन ट्रांसफर करने थे, तीन ट्रांसफर कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी भी इंक्रीमेंट होना बाकी है, मतलब कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पॉइंटर अभी R0 पॉइंट करने लगेगा 0x01ch। ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन पॉइंट होगा। ये ऑपरेशन LDMIA कंप्लीट कब होगा, पहले ट्रांसफर होगा देन इंक्रीमेंट, ट्रांसफर देन इंक्रीमेंट, ट्रांसफर देन इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहां पे वही हुआ, ट्रांसफर देन इंक्रीमेंट, ट्रांसफर देन इंक्रीमेंट, ट्रांसफर देन इंक्रीमेंट, तीन बार ऑपरेशन हुआ हमारा, ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ओके। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, ओके। LDMIA R0 R1 R2 R3, लास्ट जो इंस्ट्रक्शन थी उसमें हमने देखा था कि R0 है वो अनचेंज रहता है, जो पॉइंटर है जो इनिशियली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है वो टाइम पे जो था वो ही रहता है, पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है और डेटा ट्रांसफर होता है, लेकिन आफ्टर एग्जीक्यूशन इट विल ऑटोमेटिकली पॉइंट टू ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। मतलब R0 चेंज नहीं होगा आपका, डेटा ट्रांसफर भले हो जाए। अभी ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये उसके जैसे ही सेम इंस्ट्रक्शन है, ओनली अ चेंज इज दिस सिंबल। तो
इस सिंबल से इतना फर्क पड़ेगा कि आपका जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। पॉइंटर विल लोकेट आफ्टर पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद वाली जो पोजीशन है वो फिक्स रहेगी यहाँ पे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस एंड दिस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आर जीरो पॉइंट करने लगेगा 1C को, क्योंकि लास्ट यही लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा था। क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट LDM IB R0 acceleration R1 R2 R3। यहां पे है IB का मतलब आप क्या निकालते हैं, इंक्रीमेंट बिफोर ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर होने से पहले इंक्रीमेंट होगा, मतलब के पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद ट्रांसफर होगा। IA है तो क्या होगा, इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर, ठीक है। मतलब के पहले ट्रांसफर होगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा IA में, और IB में क्या होगा, इंक्रीमेंट बिफोर ट्रांसफर, मतलब पहले ट्रांसफर होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IA एंड IB? IA में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर, ठीक है। मतलब पहले ट्रांसफर इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर, पहले ट्रांसफर फिर इंक्रीमेंट। IA इज इक्वल टू ट्रांसफर इंक्रीमेंट एंड IB मीन्स इंक्रीमेंट ट्रांसफर, ठीक है। IA मीन्स ट्रांसफर इंक्रीमेंट एंड IB मीन्स इंक्रीमेंट ट्रांसफर, ओके। इतना याद रखो आप। तो यहां पे पहले इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो R0 इनिशियली चलो माना कि 10 को ही पॉइंट कर रहा है, तो पहले इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि पहले R0 पॉइंट करेगा 14 को, उसके बाद ट्रांसफर होगा। तो ये पॉइंट कर रहा है उसका डेटा जाएगा 20 जाएगा R1 में, तो 20 चला गया R1 में। आफ्टर दैट अगेन इंक्रीमेंट देन ट्रांसफर, मतलब 30 ट्रांसफर होगा R2 में, अगेन इंक्रीमेंट देन ट्रांसफर, मतलब 40 चला जाएगा R3 में। और मतलब के पॉइंट तो अभी इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि हमें तीन ट्रांसफर ही करने थे। मतलब पहले हुआ इंक्रीमेंट ट्रांसफर, इंक्रीमेंट ट्रांसफर, इंक्रीमेंट ट्रांसफर, तीन ऑपरेशन पूरे हो गए। तो अभी R0 की पोजीशन क्या होगी, 1C, और यहाँ पे एस्केलेशन है, मतलब के वो वहां पे फिक्स रहेगा। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो क्या होता, R0 विल ऑटोमेटिकली पॉइंट टू 10, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों को? तो LDM IA एंड LDM IB, IA मतलब ट्रांसफर देन इंक्रीमेंट, IB मीन्स इंक्रीमेंट देन ट्रांसफर, क्लियर। ओके, ST का यही चीज है। ST का क्या मतलब है, स्टोर फ्रॉम मल्टीपल ब्लॉक ऑफ रजिस्टर, ओके। मतलब लास्ट में क्या होता था, LD में मेमोरी लोकेशन से डेटा रजिस्टर्स में आ रहे थे, यहां पे क्या होगा, रजिस्टर से, ब्लॉक ऑफ रजिस्टर है वहां से डेटा जाएंगे मेमोरी लोकेशन में। ये जो पोजीशन है वो किसकी है, मेमोरी लोकेशन को जो पॉइंट कर रहा है उसकी, ठीक है। तो ST के लिए चार इंस्ट्रक्शन है, IA, IB, डिक्रीमेंट आफ्टर एंड डिक्रीमेंट बिफोर, ठीक है। IA में क्या होगा, पहले ट्रांसफर फिर इंक्रीमेंट, ठीक है। तो R9 पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो R9 पहले होगा ट्रांसफर देन इंक्रीमेंट, है ना। IA में क्या होगा, तो R9 किसको पॉइंट कर रहा है, माना कि ये लोकेशन को पॉइंट कर रहा है 100C को। तो क्या होगा यहां पे, के R0 का डेटा जाएगा R9 में, मतलब पहले हुआ ट्रांसफर उसके बाद होगा इंक्रीमेंट। तो एक ऑपरेशन पूरा हुआ, ट्रांसफर इंक्रीमेंट, ओके। सेकंड ऑपरेशन क्या हुआ, R1 का डेटा ट्रांसफर होगा, अगेन इंक्रीमेंट,
तो सेकंड ऑपरेशन हुआ ट्रांसफर इंक्रीमेंट. ओके थर्ड वन आर फाइव अगेन ट्रांसफर देन इंक्रीमेंट. अभी यहां पे एस्केलेशन है तो यहां पे आर नाइन चेंज जो है आर नाइन डैश वो इस लोकेशन को पॉइंट करेगा. समझ में आया. यहां पे एस टी एम आई बी यहां पे क्या होगा इंक्रीमेंट बिफोर ट्रांसफर यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा फिर ट्रांसफर होगा. तो सबसे पहले क्या हुआ आर नाइन को पॉइंट कर रहा है सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा फिर ट्रांसफर होगा. तो इंक्रीमेंट देन ट्रांसफर एक ऑपरेशन पूरा हुआ. सेकंड ऑपरेशन इंक्रीमेंट देन ट्रांसफर अगेन इंक्रीमेंट थर्ड ऑपरेशन इंक्रीमेंट देन ट्रांसफर. ओके तीन ऑपरेशन पूरे हो गए. आर नाइन डैश किसको पॉइंट कर रहा है 1018 को. अभी यहां पे भी एस्केलेशन है तो मतलब वहां पे पॉइंटर चेंज हो जाएगा फिक्स हो जाएगा. ठीक है उसी तरह से है एस टी एम डी ए डी ए मतलब क्या डिक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर. ठीक है डिक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर मतलब के यहां पे क्या होगा ट्रांसफर देन डिक्रीमेंट. यहां पे क्या होता था ट्रांसफर देन इंक्रीमेंट. यहां पे क्या होगा ट्रांसफर देन डिक्रीमेंट. ओके ट्रांसफर देन डिक्रीमेंट. तो उसी तरह से डीबी में क्या होगा डिक्रीमेंट देन ट्रांसफर. लेकिन यहां पे आईए और आईबी से अलग इस तरह से है कि यहां पे एमएसबी से स्टार्ट होता था ब्लॉक जो है आपका वहां से मोस्ट सिग्निफिकेंट रजिस्टर है वहां से डेटा ट्रांसफर आईए और आईबी में होता था. यहां पे क्या होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट रजिस्टर से ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा. ठीक है समझते हैं इसको. एस टी एम डी ए स्टोर फ्रॉम मल्टीपल ब्लॉक ऑफ रजिस्टर एंड डिक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर. तो सबसे पहले ट्रांसफर होगा मतलब माना कि आर नाइन इसको पॉइंट कर रहा है 001C को तो पहले होगा ट्रांसफर लेकिन किसका आर फाइव का. तो आर फाइव जाएगा यहां पे उसके बाद क्या हो जाएगा वो डिक्रीमेंट हो जाएगा. मतलब एक ऑपरेशन कौन सा हुआ ट्रांसफर ट्रांसफर देन डिक्रीमेंट. ठीक है अभी दूसरा ऑपरेशन अगेन ट्रांसफर देन डिक्रीमेंट. तीसरा ऑपरेशन अगेन ट्रांसफर देन डिक्रीमेंट क्योंकि यहां पे भी एस्केलेशन है तो आर नाइन डैश मतलब के आफ्टर इंस्ट्रक्शन आर नाइन किसको पॉइंट करने लगेगा 1000 को. समझ में आया. उसी तरह से है एस टी एम डी बी ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी स्टोर फ्रॉम मल्टीपल ब्लॉक ऑफ डेटा एंड डिक्रीमेंट बिफोर ट्रांसफर यानी कि पहले डिक्रीमेंट होगा उसके बाद ट्रांसफर होगा. माना के 100C को पॉइंट कर रहा है ठीक है तो क्या होगा डिक्रीमेंट होगा. ओके तो डिक्रीमेंट हुआ पहला ऑपरेशन डिक्रीमेंट देन ट्रांसफर तो R5 विल ट्रांसफर था. एक ऑपरेशन हुआ डिक्रीमेंट देन ट्रांसफर. सेकेंड ऑपरेशन अगेन डिक्रीमेंट देन ट्रांसफर अगेन डिक्रीमेंट देन ट्रांसफर. ओके तीन ऑपरेशन पूरे हो गए. व्हाट इज द करंट आर नाइन इट्स 1000 अगेन एस्केलेशन है तो आर नाइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी. ठीक है तो इस इंस्ट्रक्शन को ऐसे आप समझोगे तो ही अच्छा रहेगा. स्टोर फ्रॉम मल्टीपल ब्लॉक ऑफ रजिस्टर एंड इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर. ठीक है स्टोर मल्टीपल ब्लॉक ऑफ रजिस्टर एंड इंक्रीमेंट बिफोर ट्रांसफर. स्टोर मल्टीपल ब्लॉक ऑफ रजिस्टर एंड डिक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर. स्टोर मल्टीपल ब्लॉक ऑफ रजिस्टर एंड डिक्रीमेंट बिफोर ट्रांसफर.
तो इंस्ट्रक्शन को ऐसे आप सेंटेंस वाइज बिठाओगे तो ही समझने में आपको इजी पड़ेगा, ठीक है? एक एग्जांपल देख लेते हैं. कॉपी द ब्लॉक ऑफ मेमोरी विच इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 12 वर्ड्स लॉन्ग फ्रॉम लोकेशन पॉइंटेड बाय R12 टू द लोकेशन पॉइंटेड बाय R13. R14 पॉइंट्स टू द एंड ऑफ द ब्लॉक टू बी कॉपीड. आपको मेमोरी के एक ब्लॉक में से दूसरे ब्लॉक में डेटा ट्रांसफर करना, ठीक है? 12 लोकेशंस का एक ब्लॉक है और 12 लोकेशंस का दूसरा ब्लॉक है. तो R12 जो लोकेशन को, जो ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, वहां से डेटा उठा के R13 जो ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है वहां तक ले जाना, ठीक है? और ब्लॉक का एंडिंग कैसे मालूम पड़ेगा? R14 से. समझ में आया? मतलब ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये दूसरा ब्लॉक है. ये है सोर्स ब्लॉक और ये है डेस्टिनेशन ब्लॉक. तो यहां से डेटा उठा के आपको यहां ले जाना है, उसके बाद वाले लोकेशन का डेटा उठा के यहां ले जाना है. ऐसे कंसेक्यूटिवली डेटा ट्रांसफर करना है. कब तक? जब तक वो R14 के जितना ना हो जाए तब तक, ठीक है? तो एक ब्लॉक से उठा के दूसरे ब्लॉक में डेटा डालेंगे हम. तो डायरेक्ट ब्लॉक टू ब्लॉक ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बीच में एज अ इंटरमीडिएटर एक रजिस्टर का ब्लॉक लेंगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12, क्योंकि हमें 12 डेटा ट्रांसफर करना है. तो रजिस्टर का ऐसा सेट लेंगे जो 12 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन. तो पहले क्या करेंगे, सोर्स ब्लॉक को रजिस्टर ब्लॉक में डालेंगे और रजिस्टर ब्लॉक के डेटा को दूसरे ब्लॉक में डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली ब्लॉक टू ब्लॉक इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है. तो मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर ब्लॉक में डेटा ट्रांसफर के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है LD, और रजिस्टर से मेमोरी ब्लॉक में डेटा ट्रांसफर के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ST. तो हमने यहां पे वही किया. क्या किया? LDMIA R12, क्योंकि सोर्स ब्लॉक R12 से पॉइंट हो रहा है. तो LDMIA लोड मल्टीपल ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर R12 एस्केलेशन. और ये ब्लॉक आपने कौन सा लिया? R0 टू R11. ये जो हम बात कर रहे थे रजिस्टर ब्लॉक की, तो वो है R0 टू R11, टोटल 12 ब्लॉक्स, ठीक है? तो पहले इंस्ट्रक्शन से क्या हुआ, सोर्स ब्लॉक का डेटा रजिस्टर का जो ब्लॉक है वहां पे चला गया, ठीक है? दूसरे इंस्ट्रक्शन के क्या होगा, वो ब्लॉक का डेटा रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन में चला गया, which is pointed by R13. That's why we are using this. Clear? After that, CMP R12 R14. हमें चेक करना है कि भाई एंड हुआ कि नहीं हुआ. तो R12 का डेटा R14 के डेटा के साथ कंपेयर होता रहेगा, ठीक है? अगर वो इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है तो ही नेक्स्ट ऑपरेशन होगा, ठीक है? अदरवाइज इट विल स्टॉप. क्लियर? ये जो ट्रांसफर हुआ है टोटल 48 बाइट का ट्रांसफर होगा इन 31 साइकल्स. तो टोटल डेटा रेट यू कैन से दैट इफ यू आर यूजिंग 33 मेगाहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी देन 15 Mbps स्पीड यू कैन गेट. उतनी स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है यहां, ठीक है? 48 बाइट कैसे? क्योंकि एक लोकेशन पे कितनी बाइट है? 4 बाइट है. ऐसे आपको कितने वर्ड्स है आपके पास? 12 वर्ड्स है. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट्स, टोटल 48 बाइट्स. ओके, नेक्स्ट. तो ये है मल्टीपल ब्लॉक ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट है हमारा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन. सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन ही है इसमें, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, SWI इंस्ट्रक्शन जिसे हम बोलते हैं.
के इंटरप्ट मोड में ही ये इंस्ट्रक्शन यूज होती है। आप लोगों को मालूम ही होगा इंटरप्ट क्या है, कि इंटरप्ट जब हमारा नॉर्मल सीक्वेंस प्रोग्राम का चल रहा है और अगर इंटरप्ट इनेबल होता है तो क्या होता है, ISR मतलब सेकेंडरी प्रोग्राम। तो यहां से इंटरप्ट जब इनेबल होगा, एक्टिव होगा, तो यहाँ पे टेम्पररी पोज हो जाएगा, ये नॉर्मल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टेम्पररी पोज हो जाएगा। किसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ISR का। ISR की सब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाने के बाद मेन प्रोग्राम में कंट्रोलिंग वापस आएगा, कहां पे, जहां कहीं पे भी रुका था वहां पे। मतलब ये इंस्ट्रक्शन है, पिंक जो एरिया दिख रहा है वहां पे इंस्ट्रक्शन इनेबल हुई, वहां पे इंटरप्ट इनेबल हुआ, तो ये इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद इंस्टेड ऑफ ग्रीन इंस्ट्रक्शन, कौन सी वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ISR की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसके बाद ये पूरा हो जाएगा, इसका पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद ग्रीन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगा। ठीक है, सो दैट इज इंटरप्ट। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरप्ट। तो द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज यूज्ड टू एंटर सुपरवाइजर मोड, यूजुअली टू रिक्वेस्ट अ पर्टिकुलर सुपरवाइजर फंक्शन। SWI के लिए स्पेशल मोड है सुपरवाइजर मोड, हमने आगे देखा था, तो वो मोड को ये इनेबल करता है ये इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली। इट कॉजेज एन एक्सेप्शन ट्रैप टू SWI हार्डवेयर वेक्टर, सो कॉजिंग द SWI एक्सेप्शन हैंडलर टू बी कॉल्ड। मतलब सुपरवाइजर मोड में जितने भी फंक्शन हैं वो इनेबल हो जाएंगे, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि उसको सुपरवाइजर मोड के लिए हम एक एड्रेस दें, हार्डवेयर वेक्टर जिसे बोलते हैं, कि कहां से आपका जो वेक्टर, हार्डवेयर वेक्टर का क्या मतलब है, कि आपका जो सेकेंडरी प्रोग्राम है ISR वो किस लोकेशन से स्टोर हुआ है, किस लोकेशन पे पड़ा है, वो एड्रेस मेमोरी लोकेशन का, उसको बोलते हैं हार्डवेयर वेक्टर। तो वो आप जब प्रोवाइड कर दोगे, मतलब जो इंटरप्टिंग डिवाइस है वो प्रोवाइड कर देगी, तो पूरा कंट्रोल चला जाएगा सुपरवाइजर मोड के पास। ठीक है, द हैंडलर कैन देन एग्जामिन द कॉमन कमेंट फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू डिसाइड व्हाट ऑपरेशन हैज टू बी रिक्वेस्टेड। ओके, मतलब सुपरवाइजर मोड ही उसको पूरा सुपरवाइज करेगा। ओके, क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो प्री एंड पोस्ट SWI इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले क्या क्या चेंजेस है, तो CPSR में क्या होगा, ये सब फ्लैग्स हैं, तो I फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ओके, स्मॉल लेटर मतलब 0, कैपिटल लेटर्स मतलब 1। ओके, आफ्टर दैट क्या होगा, मोड चेंज हो जाएगा, यूजर मोड से चला जाएगा सुपरवाइजर मोड में। ठीक है, PC का कंटेंट चेंज हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपका ISR चेंज हो रहा है, PC क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसका ध्यान रखता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, जैसे ही इंटरप्ट का ऑपरेशन होगा तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का लोकेशन कहीं पे प्रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, SP में प्रिजर्व हो जाएगा, और नेक्स्ट PC कहां से लोड हो जाएगा, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो लोकेशन है, जिस लोकेशन पे पड़ी है, वो लोकेशन PC में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। तो मतलब के PC पॉइंट करने लगेगा ISR को। ठीक है, दैट्स वाई PC इज चेंज, 8000 से ये चेंज हो गया। ठीक है, LR R14 जो है वहां पे SP के जैसे काम करेगा, मतलब के जो नेक्स्ट ओरिजिनल नॉर्मल प्रोग्राम में नेक्स्ट लोकेशन था, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का लोकेशन, वो स्टोर हो जाएगा टेम्पररी R14 में। ठीक है, ओके, तो ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, अगर आप SWI इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हो तो, और ISR से आपको मेन प्रोग्राम में वापस आना है, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, MOVS PC R14 _SVC। ये इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली
R14 में जो वैल्यू है वो लोड कर देगी, मतलब के जहां कहीं पे भी रुके थे वो एड्रेस पीसी को मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिर से कंटिन्यू होगा। दीज आर सम ऑफ द एड्रेसेस ऑफ रजिस्टर्स, ओके, मोड वेक्टर जिसे बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंटरपिनेबल हुआ तो वेक्टर लोकेशन यही रहेगा फिक्स। सो क्लियर अबाउट SWI इंस्ट्रक्शन। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।